यहाँ पे जो लोग आपको नजर आ रहे हैं ये कोई कचरा उठाने वाले या कूड़ा सुनने वाले लोग नहीं है, ये मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज और स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। ये पाकिस्तान के नौजवान हैं और इनका ताल्लुक खैर कराची से है, लेकिन चूंकि यहाँ पे कैंपसी काम नहीं करती और पाकिस्तान के अंदर तो मुख्तलिफ इदारे जो है यहाँ पे कूड़ा उठाना शुरू कर देते हैं, तो कूड़ा उठाना जो है वो मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि हम यहाँ पे स्ट्रीट डस्टबिन लगाए जैसा कि दूसरे ममालिक के अंदर होता है। आप दूसरे ममालिक को भी छोड़ दें, कराची के अंदर किसी राशिद मीनार रोड पे आप जाएं अस्करी पोर के अंदर आप देखें स्ट्रीट डस्टबिन लगे होते हैं। यही चीज़ अगर आप लाहौर में जाएं तो वहाँ पे मशीनी बाकायदा रोजाना कूड़ा की बास्केट उठाती है जिसमें कूड़ा बड़ा होता है, उठाती है उसके बाद वापस रखती है, रोजाना रिसाइकलिंग का काम वहाँ पर होता है। कहने का मकसद ये है कि अगर मुल्क का सारा बजट लाहौर पे और इस्लामाबाद पे आप लगा दोगे अस्करी पोर पे लगा दोगे तो वो तो खूबसूरत दिखेगा, वो तो अच्छा दिखेगा, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा बजट हर शहर के ऊपर खर्च होगा तो ये सड़कें यहाँ पे साफ सुथरी नजर आएंगी। यहाँ पे रोजाना केंटी के लोग आते हैं सफाई करते हैं मगर वो मेन रोड की सफाई करते हैं, मगर इन ओवर हेड ब्रिजेस की कोई सफाई नहीं करता, इन सर्विस रोड की कोई सफाई नहीं करता। यहाँ तक कि यहाँ के जो इलाका मकीन है उनको इतनी जहमत नहीं होती कि कूड़े वाला लगा दे, वो हजारों लाखों रुपए खर्च करके परिंदे खरीदने के ऊपर हजारों लाखों खरीद के पी एस एल के टिकट पे, मगर जो कूड़ा होता है वो अपने फ्लैट की छत से ही फेंक देते हैं, कोई आ रहा है जा रहे कार पे गिर रहे कोई इसका वो पुरसाने हाल नहीं है। कुरान करीम में और इस्लाम में बार बार तहारत का और सफाई का इत्माम का जो बार बार जिक्र किया गया है, लेकिन मुसलमान होकर भी हम जो है इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे। तो मेरी गुजारिश है कि कूड़ा उठाना हमारा वो नहीं है, मसले का ये है कि जिस तरह हम इसके जिम्मेदार में एक बात मैं और कहना चाहता हूँ वो ये कि आपके घर पे जब कोई पॉलिटिशियन आके कूड़ा फेंकते हैं या मुस्तफा कमाल आके फेंकते हैं या आसिफ अली जरदारी आकर फेंकते हैं या नवाज शरीफ आकर आपके घर पे आकर कूड़ा फेंकते हैं, कूड़ा तो आप लोग खुद फेंकते हैं, सिग्नल तो आप खुद तोड़ते हैं, तो फिर मुआशरे के बिगाड़ के जिम्मेदार आप हैं तो मुआशरे के संवारने के भी जिम्मेदार आप होने चाहिए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ ना सिर्फ यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन को बल्कि तमाम इदारे जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, नौजवान जो है काम कर रहे हैं, इदारे काम कर रहे हैं, जो हुकूमत को होश दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जो ख्वाब खरगोश में मदोश हैं। मैं यहाँ पे फिक्रेट का नाम लेना चाहूँगा, यहाँ पे मैं सरेआम का नाम लेना चाहूँगा, या मैं JDC वेलफेयर का नाम लेना चाहूँगा, ये तमाम इदारे मेहनत कर रहे हैं, ये तमाम इदारे कोशिश कर रहे हैं और हम भी उसकी तरह एक इदारा है छोटा सा, हम भी कोशिश कर रहे हैं, मगर हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट काम नहीं करती। मैं तो चाहता हूँ कि NGO बंद हो जाए, मैं तो चाहता हूँ चैरिटी ख़त्म हो जाए, जीरो हो जाए। अल्लाह हमें इस काबिल करे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान किसी का मोहताज ना बने, डोनेशन देने वाला ना बने। So, आज हम लोग